और गाइस अभी मैं इडिटी से उठा हूँ, टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10 बज गए हैं। तो चलिए मैं नहाना वहाना कर लेता हूँ, खाना खा लेते हैं। और मेरे घर में अभी खाना बन चुका है, मेरे घर में खाना वाना बनकर रेडी हो चुका है, इधर भी खाना बन चुका है। हमारे घर में खाना जल्दी ही बन जाता है, मतलब शुरू से ही आदत है मम्मी का, 10 बजे तक मैं खाना कंप्लीट रहता है। पापा ऑफिस जाते हैं ना, तो इसीलिए खाना खा के जाते हैं, तो एक ही बार बन जाता है। तो चलिए हम नहा के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग, एंड आई होप कि आप लोग बहुत मस्त बढ़िया हो, बिंदास चकाचक हो गए, और मैं भी बहुत 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 बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज है संडे, और संडे जाने की रविवार, तो आज तो हम लोग बाहर निकलते हैं, वीकेंड है हमारा, तो इस संडे को हम लोग फंडे में कन्वर्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आदित्यज ब्लॉगिंग में, और कल की तरह आज भी हम लोग कुछ बहुत फन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस अभी लंच कर लेते हैं, मस्त टेस्टी सा मेरा फेवरेट चावल और आलू की सब्जी, और मैं इसी तरह लेता हूँ गाइस, आप लोग देखो चाहे जो सोचो जो बोलो, मुझे ऐसे ही पसंद है, डायरेक्ट गर्मा गर्म चावल के ऊपर से सब्जी हो, बाकी कुछ अचार पापड़ हो या ना हो, बट गर्मा गर्म मिल जाए। तो कॉलेज में रहता था ना बाहर, तो इतना टाइप का खाना खा लिया, इतना तरह का अतरंगी खाना खा लिया, बट घर का खाना इतना मिस हुआ था, इसीलिए हमको इतना मतलब घर से प्यार हो, मतलब ये खाना से प्यार हो गया, मस्त लगता है। तो चलिए मिलते हैं खाना खा के, मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए। आप लोग देख के सोचते होंगे कि मम्मी ऐसे उड़ के रहती है, साले उड़ के सारा काम करते हैं, सो रजाई में घुस रहा था उसी को ठंडा लग। ठीक है चलिए। सो गाइस ये मेरा फिश टैंक है, और काफी गंदा हो गया है, इसका पंप खराब हो चुका है एक्चुअली। सो गाइस ये सब तो ठीक है, बट ये घूम नहीं रहा है, बहुत टाइट हो गया, पता नहीं घूम ही नहीं रहा। चलिए शॉप पे चलते हैं, अगर भाई बना देता है तो बढ़िया बात है, टाइट हो चुका है पूरा ये। तो गाइस चलिए चलते हैं, और ये मैंने आज फॉर्मल पैंट पहना, बहुत दिन से रखा हुआ था, करीब 4-5 साल हो गया, सोचा पहने चलो आज पहन ही लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो गाइस ये हम लोग पहुंच चुके हैं सचिन भाई के शॉप पे, द डॉगिस्ट में। क्या हाल है सचिन ब्रो? बात भाई सब चेक। हेलो गाइस, तो अभी चेक कर रहा है ब्रो, इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ यहाँ है सिमरन। हाय गाइस। हाय गाइस। हाय आदि। यो हाउस योर डे? नॉट सो वेल बट वेल। चलिए दोस्तों हमेशा की तरह गाइस लोग से बात करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, और भाई तो ठीक कर देगा, कुछ छोटा सा प्रॉब्लम बस उसमें तो कुछ फंस गया था। चलिए फिर जैसा होगा आपको दिखाते हैं, बने रहिए है हमारे साथ। और कुछ नया मछली लाए होगा ये क्या प्लांट लगाए हो इसमें, मस्त लग रहा है भाई, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये। गाइस देखिए बैम्बू भी इसमें लगा हुआ है, साथ साथ मछली भी है, तो मछली लोग के लिए जंगल बन चुका है अभी। मछली भी डाले नहीं क्या इसमें? काफी अच्छा भाई, पूरा इनोवेटिव लगाया है दिमाग अपना। और चलिए मछलियों से मिल लेते हैं, बेचारा एरवाना अकेले हो गया, सब लोग इसको अकेला कर दिया है, साइड कर दिया है, क्या एरवाना। चलिए धूप ले रही है सब, और यहाँ ये तोता लोग चलते हैं। गाइस ये CCW से गुजर रहे थे, तो हम सोचे भाई लोग से थोड़ा मिल लेते हैं, तो भाई लोग ये आ रहे थे। हेलो गाइस, क्या हाल है, क्या हाल है? हेलो गाइस, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। इधर भी है भाई को। हेलो, तो कैसा रहा तुम लोगों का मैच? अभी चल, अभी दूसरा इनिंग चल रहा है, दूसरा इनिंग हम लोगों को 180 हम लोग नीलकंठ, क्या नाम है आपका? बहुत प्यारा नाम है जी, शिव जी वो नाम है। अभी तो हम लोग दूसरा इनिंग चल रहा है, मेरा बैटिंग बाद में 186 पे मारा, 25 हो गए तो बैटिंग भी नहीं मिलता है। आदित्य मिलता है आखिरी विकेट यही थे। कैसे हो? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। M40 गाइस देख सकते हैं, अनुभव भी आ रहा, दौड़ ले। हां हां ये भी आ रहा है। हेलो अनुभव कैसे हो? ठीक है भैया, सब पानी बढ़िया। एक और आ रहा है यो, कैसे आ रहा है यो, गाड़ी चल रही है यो, न्यू गाड़ी ली है। और क्या हाल है? न्यू गाड़ी ली है क्या? ये नहीं नहीं वही वाला है नहीं नहीं अरे आज तेल नहीं है, थोड़ा कम है, थोड़ा तेल कितना कम है, देखो तेल भुक कर रहा है, देखो तेल भुक कर रहा है। चलिए दोस्तों भाई लोग के साथ एक राइड कर लेते, रिकॉर्ड कर लो। नहीं, नहीं, नहीं,
सो गाइस अभी भैया राइड करेंगे, देख सकता है। अरे भैया लला तू ले। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं, बच्चों लोग से मिलकर के अच्छा लगा काफी, मतलब मजा आ जाता है इन लोग से मिलकर, ये लोग का एनर्जी देख करके। ये जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। इसका नाम क्या है? मोटू नाम है इसका, तेरा मोटू है ना? मोटू जाओ, बुला रहा है, जाओ हां जाओ, जल्दी जाओ, डरता है यार ये, थोड़ा सा बूढ़ा हो गया। जाओ मोटू, मोटू देखो कुकी आ गई, इसकी बीवी, इसकी बीवी आ गई। कुकी Okay. सोचा कुछ मिल रहा है ना खाने का। तो दोस्तों ये गली के मोहल्ले के कुत्ते भी बहुत प्यारे होते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे पंजे लड़ाने का कंपटीशन हो रहा है बच्चों का, और यहाँ पे एक सुमित है, सुमित है और अमन है। अरे माय गॉड, तुम भी लगाओ दम, लगाओ तुम भी अमन, लगाओ अमन दम, लगाओ। ओ मेरा पापा, तूने सीधा रखे। ओ मां कसम, अरे गजब भाई। अमन अमन हाथ उठा रहा है, चीटिंग हो रहा है। नहीं तुम भी पापा हाथ रखते हैं। नहीं हाथ उठा रहा है, ले ले हाथ, हाथ उठा रहा, हाथ उठा रहा बच्चा। चलो चलो फिर कंटिन्यू। हां चलो फाइनली जीत ही गया धोनी। तो अभी धोनी जीत चुका है। या के अभी धोनी भाई हमारा बैटिंग करने वाला है। तो गाइस अभी घूमते घूमते हम लोग सोचे कि डिसाइड किए कि फिर से कहीं निकलते हैं आज। तो हमें मिल गया केपी ब्रो। हाय गाइस, तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ धांगी पहाड़ से बगल बगल से, और ये हमें बहुत मस्त लेक मिला है, बहुत बढ़िया सा। और ये रास्ता आगे जाता है पूरा, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। मैंने तो मैप में बस सर्च किया था कि कुछ देखते हैं आसपास में कोई जगह बढ़िया सा रास्ता, तो मैंने देखा धांगी पहाड़, उसके बगल से कोई रास्ता जाता, तो हम लोग यहाँ आ गए। अब चलिए आगे का देखते हैं क्या होता है। चलते चलते हमें ये बहुत अच्छा सा शिव जी का मंदिर मिला है, पूरा शांति है यहाँ पे। ये देखिए पेड़ है यहाँ पे, बढ़िया सा गांव वालों का। ये मोटा सा बरगद का पेड़ है। हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं पता नहीं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, काफी शांति है यहाँ पे, और ये हमें एक अंकल मिले हैं यहाँ पे, बकरी को लेके जा रहे हैं इस तरह से। आपका खुद का बकरी है अंकल जी? नहीं खरीदते बाबू, व्यापारी दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेचेंगे अभी इसको? हाँ ले जाते, बेचेंगे खसी दुकान में। मस्त एकदम सफारी कर रहा है। कितना देते हैं अंकल जी एक बकरी? ओए 100-150 जो बस दिया, दिन भर का हाजिरी निकल जाना चाहिए। सही में कितना का बिकता है एक बकरी? हम लोग हाजिरी पर। अच्छा हाजिरी पे है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भैया, थैंक यू बताने के लिए। ठीक ने बताया आगे से रास्ता है दोस्तों, देखते कहाँ निकलता है। सो गाइस वहाँ देखिए खेत में दो बच्चे अपना ये वो है, पूरा यहाँ से पूरा पहाड़ दिख रहा है, थांगी पहाड़। चलिए आगे जहाँ जाएगा आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे घूमते घूमते आ गए गांव के एक चौराहे पे, और हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला है। ये देखिए बच्चा लट्टू मचा रहा है, एक बाबू लट्टू मचा दिखा रहा है, लट्टू मचा कर दिखाना एक बार। बहुत पहले नचाते थे हम भी, ये वाला उंगली फंसाते हैं ना हम लोग। भाई भी ट्राई कर रहा है यहाँ पे, यही दिन भर घुमाते रहते हैं। चलो भाई क्या नाम है भाई तुम्हारा? सुदीप कर्म का। सुदीप भाई दिखाएंगे अभी हमने लट्टू नचा के, चलो ये किस तरह से लपेटते हैं एक बार। चलिए ये खतरनाक, हम भी पहले नचाते थे बहुत पहले नानी के घर में। मेरा चैनल है चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, भाई का भी आ जाएगा कल। ये देखिए गाइस अपना धनबाद का टैलेंट है ये। अरे अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। भाई यहाँ पे भी है, आपका नाम क्या है? क्या नाम है बोलो। अरे चलो
आदित्य। भाई आदित्य अभी इसको मिड एज क्राइसिस आ गया है, तो ये अपना बचपन का शौक पूरा करने के लिए ये बच्चे लोग सब खेल रहे हैं अभी। भाई सर पे मत मार देना मेरा, हट जाओ भाई। नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस चाहिए क्या भाई? धीरे धीरे इंस्टिंक्ट जाग रहा है मेरा। नहीं भाई आदित्य भाई को आ गया थोड़ा मिड एज क्राइसिस, तो घूम गया भाई। हाँ घूम गया घूम गया। आई गॉट ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिएगा तो हो जाएगा। चलो भाई थैंक यू, अच्छा लगा। थैंक यू। कौन से क्लास में हो? 6 6 में। तुम कौन से क्लास में? तुम पढ़ाई करता है? अरे स्कूल बंद है, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। हट जाओ बाबू वहां से। ये लोग से मिलकर काफी अच्छा लगा भाई, लोग से काफी फ्रेंडली थे, काफी मतलब दोस्ताना लगा इन लोग से मिलकर। चलिए चलते हैं, अच्छा लगा मिलकर भाई लोग। आपका नाम क्या है? विवेक चंदा। विवेक चंदा। बाय। चैनल को अगर आपको अच्छा लगा और आप इनके वीडियो हमेशा देखते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू। चलिए गाइस चलते हैं हम यहाँ से, अच्छा लगा मिल करके। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, बहुत मस्त चीज हमें दिखाया, मतलब यहाँ का कल्चर नेचर जो है हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है अपने झारखंड का। तो ये देखिए ये आंटी जी यहाँ पे बना रही है टोकरी बांस छील करके। कितने साल से बना रहे हैं आंटी? हम लोग बहुत देर से बना रहे हैं। ये आपको पूरा हर सीजन चलते हैं? नहीं ये वाला हम लोग का, ये हम लोग का बिजनेस है। ये गाइस पूरा एक साइड से एकदम बराबर काटा हुआ है सारा। और बाबू लोग तुम लोग फिर से तो इसमें जोड़ जोड़ के दोस्तों, ये आंटी इसमें ये टोकरी बनाई, इतना मस्त है। ये बाजार में हम लोग खरीदते हैं और एकदम फ्रेश है, एकदम ताजा है, पूरा नहीं हुआ है, एकदम चमचमा रहा है, जरा सा भी दाग नहीं है, इतना सुंदर है। ये गाइस ये जैसा है उसी टाइप से ये वाला भी अभी बनेगा। ये सब बांस से ही बन रहा भाई, बांस हम लोग का खरीद के लाना पड़ता है। खरीद के लाते हैं क्या? खरीद के आता है अपना खेत का? नहीं हम लोग खरीद के लाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ पे प्यारे प्यारे। हेलो बाबू भाग। चलिए अच्छा है, चल जाएगा वीडियो तो देखेंगे लाखों लोग देखेंगे, अच्छा रहेगा, पता चलेगा यहाँ का कल्चर, मतलब देख देख के ही सीख गए। हम लोग का ये बिजनेस है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। आजकल तो आंटी ये सब जो बिजनेस है ना, आदमी लोग गांव से उठाते हैं सामान और ब्रांड करके बेच रहे हैं, मतलब मार्केट में बिक रहा है, अच्छे रेट में बिक रहा है, कुछ लोग रंग मंग चढ़ा लेगा और बेचेगा। हाँ घर में बनाते हैं ना तो सामान अच्छा मिलेगा, और जो बाजार में बेचते हैं ना वाला सामान नहीं मिलेगा सही, वो सब तो जल्दी बाजी में रहता है, मतलब मजबूत नहीं मिलेगा, मिलेगा सामान। तो भाई अपना भी चैनल है। चैनल है, चैनल है आपका? क्या नाम है आपका? देसी बॉय संजू। मेरा कैटेगरी है कि मैं धनबाद घूमता हूँ, अपना डेली लाइफ हो गया, और मतलब जो मिलता है एक्सप्लोर करने में, जो अच्छा लगता है सब शेयर करता है। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं आदित्य इस ब्लॉगिंग को। ये भाई का प्रैक्टिस लगा हुआ है अभी भी, कोई बात नहीं। कितना टाइम लगता है आंटी आपको एक बास्केट बनाने में? बहुत टाइम लगता है, तब भी 3 घंटे। तीन घंटे देसी में रखता है ना? हाँ 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 धान भी रखा है। अच्छा अच्छा, इसीलिए इसका डिजाइन ऐसा बना हुआ। बाजार का टोकरी ऐसा मिलता है? नहीं मिलेगा, इसका माथा पे, इसके माथा को फिर बांधना पड़ेगा। ये कौन सा गाड़ी है? कौन सा गाड़ी है भाई? गुंगा है। अच्छा ये गुंगा है क्या? हाँ। हेलो भाई, हेलो, इधर आओ इधर आओ, आइए आइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो सबसे शेयर कर दीजिए। और पढ़ाई लिखाई जरूर करना, ठीक है? बहुत जरूरी है पढ़ाई लिखाई, इसको आज जो करना है करना।
कुछ भी काम बिना मेहनत तो नहीं होता है। अपना काम करना, अभी वीडियो बना रहे उसमें तो मेहनत लग भी करता है, कुछ भी काम बिना मेहनत से नहीं होता। चलिए आंटी, अच्छा लगा आप दिखाए, धन्यवाद, शुक्रिया। और हमें अभी और भी जगह जाना है, समय हो गया, अभी 3 बज रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आपका नाम क्या है, इनका नाम क्या है? इसका, हाँ, इनका नाम है अर्जुन। अर्जुन, हेलो, एकदम ओके। चलिए कल आप भी यूट्यूब पे आ जाइएगा। और ये इनका प्यारा सा गाड़ी है, ये इनका खिलौना है शायद। भाई बोल नहीं पाते, कोई बात नहीं, बहुत प्यारे हैं, बट क्यूट है। कैसे बोलते हैं इसका? अगर हमको इससे पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या, तुमको कैसे पूछोगे? अरे गजब, क्या बोले, क्या बोले यहाँ से? बहुत बोल रहा है कि मुझे जानता है, आपको भी धीरे धीरे जान जाएगा, जान जाएगा। ये वीडियो पे बोल देंगे कि वीडियो को पसंद करे अपना लैंग्वेज में। अपना लैंग्वेज, हाँ, कैसे बोलिए ना उनको बोलने के लिए। बोलिए, उसको बोलो कि लाइक करके बताइए। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलकर अच्छा लगा आपसे। चलिए चलते हैं गाइस, ये प्यारी प्यारी बच्ची है यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग लोकल लोग से मिले, बी वोकल फॉर लोकल, बैकवर्ड एरियाज में गए, अच्छा लगा मिल करके। हम लोग को माइंड में थोड़ा लगता है कि हम ये लोग के पास जाएंगे, अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, बट ये लोग से मिलके इतना फ्रेंडली फील हो गया, इतना अच्छा व्यवहार है इन लोग का, और मेरे चैनल को लेकर के भी इतना सपोर्ट दिखा इन लोगों ने, मतलब सही में बहुत अच्छे लोग होते हैं यार। मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, चलिए अच्छा है। रिस्क लेने से ही कुछ मिलता है गाइस, वहाँ हम लोग कुछ प्लान नहीं था, मैंने सोचा चलो निकल लेते, जहाँ भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए गाइस क्या बोल रहा है भाई, इसका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो ये भूल जाएगा फिर हम लोग को, फिर हम लोग को याद नहीं करेगा। ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, भूल जाते हैं लोगों को। इतना साल के बाद मिला, भूल गए थे, अभी तो बीच से बात करना ही तो बंद कर दिया था। सब अपना अपना लाइफ में बिजी हो गया था ना यार। तो गाइस ये चलते चलते हम लोग ये वाले रास्ता से निकल चुके हैं, करमा टाड़ के जहाँ पेट्रोल पंप है आपका, ये रास्ता है पिछले जहाँ से निकले अभी हम लोग। ये सामने हनुमान मंदिर, पीछे आप आता है वहाँ पे आपका बिग बाजार, और ये करमा टाड़। गाइस ये देखिए यहाँ पे आज संडे को करमा टाड़ में मेला लगा हुआ है, कपड़ा से लेकर के सब्जी वब्जी सामान सब है यहाँ पे, बैग वैग है पूरा, तो खाने पीने का श्रृंगार का सामान है वहाँ पे। हर संडे यहाँ मार्केट लगता है, शाम में गाइस पूरा भीड़ हो जाता है वहाँ पे। शाम का नज़ारा है, इतना सुंदर हो रखा है धनबाद का अपना। सो गाइस कैसे हैं वंस अगेन आप लोग, आज देखिए दोस्तों दिन में क्या हुआ मेरा, और ये देखिए आपको ये निशान दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इस पे पत्थर पे टकराया था सीधा जाके, यही वाला टूटा था, ये तो मैंने बाद में से मचोड़ के तो बाद फिर मैंने स्क्रीन देखा, स्क्रीन तो मेरा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फन मस्ती वाले ब्लॉग्स आते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आदित्य इस ब्लॉगिंग में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।